हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिटो टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूले। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसरो का ये पेपर है मेहंदीगिरी का। कहाँ का है? मेहंदीगिरी का पेपर है इसरो का। अगर टाइम टेकन की बात करते हैं हम, तो इसका जो है क्वेश्चन रहने वाला है 60 क्वेश्चन रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 180 नंबर का पेपर। 2016 में 28-8 2016 का पेपर है। ये बुकलेट कोड है जो है ए सेट है ना। इसके लिए एग्जाम के लिए आपको 1.5 घंटा का समय मिलने वाला है 60 क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है और पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए त्रिकोण में इसको देखना है कि कौन सा इसमें आंसर सही है। इसका सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। इसको समझिएगा, ये जो होता है एच हो जाता है कर्ण, ये हो जाता है लंब हो जाता है, एच जो होता है बी जो होता है बेस हो जाता है आधार हो जाता है। अगर आप कर्ण की बात की जाए, एच बराबर पी स्क्वायर, थोड़ा हाथ से लिखने में दिक्कत हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता है। ठीक, बी स्क्वायर, इसको समझ लीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक इसी पर आप रखिएगा तो ये आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बराबर ए सी स्क्वायर। यह जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए हम आमतौर पर पाई का मूल्य हो लेते हैं। मतलब पाई का मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 3.14, ऑप्शन बी है 3.41, ऑप्शन सी है 4.31, ऑप्शन डी है 4.31। इसका सही आंसर जो होता है, पाई का मान अगर दशमलव में बात की जाए तो 3.14 होता है, अगर बटा में बात की जाए तो 22/7। ये आम चीज़ है, ये सभी को याद भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, प्रतिरोधक, संचारित और डी है एम्पियर। इसका सही आंसर जो है, विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। अभी विभवांतर को किस में मापते हैं? वोल्ट में। नेक्स्ट, चुंबकीय कंपास हमेशा संकेत करता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चुंबकीय कंपास जो हमेशा उत्तर की तरफ इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जल का घनत्व होता है, जल के घनत्व की बात की जाए तो 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है जल का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो होता है कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो होता है 10^-6 मीटर के बराबर होता है ना। यही अगर सेंटीमीटर में होता तो 10^-3 सेंटीमीटर हो जाता है। स्वर्ण का प्रतीक क्या है? स्वर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ag, Ar, Al और Au। इसका सही आंसर जो सोने का जो होता है रासायनिक सूत्र होता है Au होता है, और Ag किसका होता है? सिल्वर चांदी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना सिंपल है। लोह को जंग से बचाने के लिए खाली स्थान गैल्वेनाइजिंग किया जाता है ना। लोहे को जंग से बचाने के लिए पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा, किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ जो है जिंक का उपयोग किया जाता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है। सोल्डर क्या है? एक मिश्र धातु। किस किस चीजों का मिश्रण होता है? ताम्र और निकिल, क्रोमियम और निकिल, ताम्र और निकिल मतलब कॉपर और जिंक है ना, और लास्ट है सीसा और टिन। सोल्डर जो होता है सीसा और टिन का मिश्रण होता है। अगर यही पूछ जाए नरम सोल्डर सीसा और टिन का मिश्रण कितना होता है, तो वह जो होता है 50-50 होता है, 50-50% होता है उसमें। नेक्स्ट देखेंगे हम। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है ग्रेनाइट, संगमरमर, हीरा, ग्रेफाइट। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जो होता है हीरा जाना जाता है, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा, एल्युमिनियम का गलनांक लगभग है। ऑप्शन ए है 1000 डिग्री सेल्सियस, बी है 500 डिग्री सेल्सियस, सी है 1500 डिग्री सेल्सियस और डी है 660 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, इसके एल्युमिनियम का गलनांक जो होता है 660 डिग्री सेल्सियस, इसमें सही आंसर होता है। एल्युमिनियम का गलनांक 648 होता है। ऑप्शन के अनुसार आप मार सकते हैं, थोड़ा सा 10-20 अंतर आ सकते हैं। यहाँ कुछ आया तो कुछ कुछ गलनांक नाम ले लेंगे कुछ और भी धातुओं का, जो हमेशा आपको याद रहना चाहिए। जिंक का गलनांक होता है 420 डिग्री सेल्सियस, पीतल का गलनांक होता है 950 डिग्री सेल्सियस, लेड का गलनांक होता है 327 डिग्री सेल्सियस, टीन का गलनांक होता है 232 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का होता है 1083, और रॉट आयरन का 16 डिग्री सेल्सियस जो होता है गलनांक होता है। ये सभी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। 1 इंच के बराबर होता है, 1 इंच किसके बराबर होता है? 24.5 mm, 25.4 mm, सी है 25.2 mm, और डी है 24.4 mm, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 इंच बराबर होता है mm पर 25.4 mm होता है। यही अगर इंच में पूछा होता, सॉरी सेंटीमीटर में पूछा होता, तो 2.54 सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट कुछ देखेंगे हम। लघु वायु अंतराल और मुक्तांतर को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला गेजर, देखिएगा इंग्लिश थोड़ा दिक्कत होता है, हिंदी शुद्ध होता है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, क्वेश्चन बहुत सरल होता है। देखिए, गेज यूज फॉर मेजरिंग ए स्मॉल एयर गैप एंड क्लियरेंस, तो किसका किसका उपयोग करते हैं? तो सीधा जाएंगे हम लोग फीलर गेज का। देखिए, अब हिंदी में केवल आ जाए संवेदक गेज, तो आप तारे दिन में तारा दिखने लगेगा आपको, है ना। फीलर गेज दिखते हैं आप मार दीजिएगा। गैपिंग को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया को किस सॉरी गुनिया को किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सतहों के बीच के कोण, ऑप्शन बी है सतहों की उभयता को जांचने के लिए, सी है सतहों को ऋजुता, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। गुनिया का उपयोग जो होता है सतहों की उभयता को जांचने के लिए किया जाता है। देखिएगा, यहाँ आप सोचेंगे कि ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन यहाँ देखिए इंग्लिश देखिए, एंगल बिटवीन सरफेस, सरफेस के एंगल थोड़े से, तो इंग्लिश भी जरूर आप पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पेंच या बोल्ट में प्रति इंच चूड़ी की संख्या को किससे जांच किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्नियर कैलिपर, बी है डायल गेज, सी है पिच गेज, और डी है चूड़ी प्लग गेज। इसका सही आंसर है जो दो स्क्रू पिच, सॉरी सी है स्क्रू पिच गेज का उपयोग किया जाता है प्रति इंच चूड़ी को मापने के लिए। वर्नियर कैलिपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? लंबाई चौड़ाई मोटाई और गहराई मापने में किया जाता है। डायल गेज का उपयोग किया जाए कहाँ किया जाता है? कोण मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, किसे मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टेपरिक जॉब के कोण, बी है सतहों के बीच के कोण, सी है जॉब अधिधाव, है ना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। टेपरिक जॉब साइन बार का प्रयोग जो होता है टेपरिक जॉब का कोण मापने के लिए किया जाता है। साइन बार से क्वेश्चन आता है, इसके द्वारा जो है अधिकतम कितने डिग्री तक कोण माप सकते हैं? तो वह जो होता है 45 डिग्री तक कोण माप सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा हम, खोखले पंच का प्रयोजन है, खोखले पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग होता है तनु धात्विक चमड़े या कठोर फलक के सीटों में छिद्र करने के लिए, मतलब मुलायम धातुओं को छिद्र करने के लिए जो होता है होलो पंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में 49 मुख्य पैमाने डिवीजन को 50 वर्नियर पैमाने विभाजनों में विभाजित है, तो अतः न्यूनतम गणना है, मतलब न्यूनतम लीस्ट काउंट कितना होगा? यहाँ आप पढ़े होंगे 1 MSD माइनस 1 PST, सॉरी देखिए 1 PS, देखिए हाथ से लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, अभी हमको सुन लीजिएगा जरा, 1 MSD और माइनस 1 VSD, ठीक है ना। वर्नियर मेन स्केल डिवीजन माइनस एक एक वर्नियर स्केल डिवीजन, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 1 - 49/50, तो आपका आ जाएगा 0.02 mm, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाह माइक्रोमीटर की यथार्थता है,
बाय माइक्रोमीटर का न्यूनतम डिस्काउंट कितना होता है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का डिस्काउंट कितना होता है, तो ये आउटसाइड ही है, बाय माइक्रोमीटर आउटसाइड ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 0.01 mm, बी है 0.01 mm, सी है 0.02 mm और डी है 0, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी 0.01 mm। यही अगर इंच में पूछ दे कितना होता है, 0.001 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट एक यंत्र है जिससे जिसके पास सेंटर हेड, बेवल प्रोटेक्टर, स्क्वायर हेड, उपरोक्त सभी, कॉम्बिनेशन सेट के सभी तीनों जो है भाग हैं, इसलिए ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। इंडक्शन हेड गियर का गियर अनुपात है कितना होता है, 50:1, 14:1, 40:1, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाए इंडक्शन हेड गियर का अनुपात जो होता है 40:1 होता है, 40:1 होता है। मशीनरी की समतलन के लिए खाली स्थान प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्केल, स्पिरिट लेवल और सी है बेवल प्रोटेक्टर और डी है गेज ब्लॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फाइल के हिस्से बात करते हैं। फाइल के हिस्से हैं जो हैंडल में फिट होता है, हैंडल में जो भाग फिट होता है वो क्या कहलाता है, आपको नॉर्मली याद ही होगा, टैंक कहलाता है। नेक्स्ट, खुरदुरी रेती पर कितने दंत को काटा जाता है। ऑप्शन ए है 20 से 25 दांत प्रति इंच, ऑप्शन बी है 30 से 40 दांत प्रति इंच, और सी है 40 से 65 दांत प्रति इंच और डी है 80 से 100 दांत प्रति इंच। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से 25 दांत प्रति इंच कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एकल कट फाइल में दांत को मध्य रेखा के फिलिंग द ब्लैंक्स कोण में कटा होता है। ऑप्शन ए है 40 डिग्री, बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, डी है 80 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। कितने डिग्री पर कटा होता है, वह जो होता है 60 डिग्री पे कटा होता है सिंगल कट फाइल। सेकंड कट फाइल की बात की जाए तो उसमें पहला कट कितने डिग्री पर कटा होता है, तो 70 डिग्री, और दूसरा कट जो होता है 51 डिग्री पर कटा होता है। कुछ लोगों को ये रॉन्ग लग सकता है, वो लोग जो ये याद किए होंगे 60 डिग्री और 75 से 80 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो है पहले के बुकों में लिखता था, नए बुक जो है यही लिख रहा है, इसलिए निम्न भी यही लिखा हुआ है, इसलिए इसी को आप याद करेंगे 70 और 51 डिग्री। चिकनक कर्तन क्रिया के लिए इंग्लिश में देखेंगे, फाइलिंग इज डन फॉर स्मूथ कटिंग एक्शन, मतलब स्मूथ कटिंग के लिए कौन सा फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेट रेतन, बी है क्रॉस रेतन, सी है कर्स रेतन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंग्लिश भी ज़्यादा देखते चलिएगा, ड्रॉ फाइलिंग जो होता है सबसे स्मूथ फाइलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ड्रॉ फाइलिंग का प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइल दंत में अटका हुआ धात्विक कण जब सतह पर खरोंच पैदा करता है, इस दोष को कहा जाता है। ऑप्शन ए है लोडिंग, बी है पिन बंधन दोष, पिनिंग, सी है ड्रेसिंग और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पिनिंग। फाइल के दांतों में जो कण फंस जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पिनिंग कहते हैं। यही अगर ग्राइंडर के दांतों में जो फंस जाए, ग्राइंडर में फंसते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल या वक्र सतहों को स्क्रैप करने के लिए और तक्षिण कोनों तथा बड़ों को हटाने के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स स्केपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लैट स्केपर, बी है त्रिकोणीय स्केपर, सी है अर्धगोल स्केपर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों त्रिकोणीय स्केपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
कास्ट और नॉर्म शीट में कार्य में डील का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों देखते चलिए, क्वेश्चन समय अच्छा खासा रहता है, आप उसमें आराम से पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए है ट्विस्ट डील, बी है फ्लैट डील, सी है स्टेटिंग फ्लूड डील, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होता है का लकड़ी में या नरम सीट में सुराख करने के लिए जो होता है फ्लैट डील का प्रयोग किया जाता है। देखिए ने एथिड डील के उष्ट कोण का कर्तन कोण होता है। एथिड डील आप समझ नहीं पाएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में ट्विस्ट डील है ना। ऑप्शन ए है 181 डिग्री, ऑप्शन बी है 128 डिग्री, ऑप्शन सी है 108 डिग्री और डी है 128 डिग्री। ट्विस्ट डील का आमतौर पर एंगल जो होता है 128 डिग्री होता है। यही आपसे पूछ दे कि ट्विस्ट डील का हेलिक्स एंगल कितना होता है, तो वह होता है 27.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षीय दिशा में डील की कटाई की गहराई को क्या कहा जाता है। अक्षीय दिशा में डील की कटाई की गहराई को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कर्तन चाल, बी है भरण, सी है घूर्णन प्रति मिनट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फीड होता है। ठीक, क्या होता है भैया फीड होता है, मिनट प्रति सेकंड का है तो वो हो जाता है कटिंग स्पीड मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सूत्र में कर्तन चाल पाई डी एन बटे 60 के बराबर है, तो डी डी मिलीमीटर में डील के व्यास को दर्शाता है, तो एन घूर्णन के प्रति मिनट को दर्शाता है, तो कर्तन चाल की इकाई क्या है। कर्तन चाल की इकाई जो होती है इसके हिसाब से हो जाता है मिलीमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, पाई डी एन बटे 1000। देखिए आप न्यूनतम जो है कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसको मीटर प्रति सेकंड में मापेंगे 60 है इसलिए, नीचे बटा में 60 है इसलिए। भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन ए है संवेदी बेंच प्रकार का ड्रिल मशीन, बी है वायु चलित ड्रिलिंग मशीन, सी है तिरजीय ड्रिलिंग मशीन और डी है निर्देशांक ड्रिल मशीन। तो इसका सही आंसर हो जाता है रेडियल ड्रिल मशीन का उपयोग जो होता है भारी कार्यों के लिए किया जाता है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ कमियां हो तो आप कमेंट में लिखिए, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे हम। टेपर कॉटर, टेपर कॉटर द्वारा टेपर सैंक को ड्रिल को तुर्क छिद्र से बाहर निकाले जाने को कहते हैं। ऑप्शन ए है टैंक, ऑप्शन बी है चक चाबी, सी है ड्रिफ्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रिल मशीन के स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वहाँ जो है ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेंचों को कसने में प्रयोग किया जाने वाला स्टार या क्रॉस खांचेदार हेड वाला पेचकस है, कौन सा पेचकस है। स्टार नुमा जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसे कौन से स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। ऑप्शन ए है ऑफसेट पेचकस, बी है घड़ी निर्माताओं का पेचकस और सी है रैचेट पेचकस और डी है फिलिप्स पेचकस। इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है, जो स्टार की तरह बना होता है। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ग्रिपिंग नट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लायर्स को जो संकीर्ण और नीचे जगहों पर लगे होते हैं। ऑप्शन ए है पार्श्व कर्तन प्लायर, ऑप्शन बी है स्पन जोड़ प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर इंग्लिश में और सी जो है वाइस ग्रिप प्लायर और डी है नोज प्लायर। इसका सही आंसर है दोस्तों नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है संकीर्ण जगहों में या गहराई में लगे नट को खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों में आरोपित नट बोल्ट को फेरने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्पैनर, मतलब नीचे लगे नट बोल्ट को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सॉकेट स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, बॉक्स स्पैनर, रिंग स्पैनर। इसमें जो होता है बॉक्स स्पैनर का प्रयोग किया जाता है अगर स्पैनर की बात हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े व्यास के पाइपों को फेरने के लिए इस्तेमाल करने वाला रिंच है। अब फेरना मतलब क्या होता है, खोलना होता है। ठीक, समायोज एडजस्टेबल रिंच, पाइप रिंच, स्टेप रिंच और चैन रिंच। इसका सही आंसर है दोस्तों चैन रिंच।
चैनरीज का उपयोग जो बड़े व्यास के पाइपों को खोलने के लिए किया गया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइंग। डाइंग एक ऑपरेशन है जो, देखिए इंग्लिश में लिखा है डाइंग इज द ऑपरेशन ऑफ, गोल छड़ या बोल्ट पर बाह्य चूड़ी काटना, छिद के आंतरिक चूड़ी को काटना, सी है उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो डाई का उपयोग होता है बाहरी थ्रेडिंग करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आसान है, बस क्वेश्चन पढ़ने से आपको लग रहा है कि भारी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जॉब के ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बाइसेप किसी भी दिशा में, और हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल दोनों दिशा में जॉब को बांधने के लिए कौन सा वाइस का उपयोग किया जाता है, सिंपल बेंच वाइस, सिल्वर बेंच वाइस, मशीन वाइस और डी है यूनिवर्सल मशीन वाइस। इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिवर्सल मशीन वाइस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते वक्त कसने वाला बोल्ट है, दक्षिणावर्त नहीं समझ में आया तो यहाँ थोड़ा इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, क्लॉक वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका इसका ऑप्शन देखिएगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड, टेपर टेपर थ्रेड और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाता है क्लॉक वाइज में जो होता है राइट हैंड थ्रेड का कटा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एकल आरंभी चूड़ी के लिए लीड बराबर है, ऑप्शन ए है दोगुनी पिच, तीनगुनी पिच, सी है पिच और डी है आधा पिच। सिंगल स्टार्टर में पिच और लीड दोनों बराबर होता है, मतलब केवल पिच इसका सही आंसर होगा। डबल स्टार्टर थ्रेड में लीड पिच के दोगुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकमी चूड़ी में चूड़ियों का कोण होता है, ऑप्शन ए है 55 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 29 डिग्री और डी है 40 डिग्री। सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है एकमी थ्रेड का कोण जो होता है 29 डिग्री होता है। 55 डिग्री की बात करते हैं तो BSP, BSP, BSW, BSF तीनों जो होता है 55 डिग्री के कोण पर कटा होता है। मीट्रिक थ्रेड जो होता है 60 डिग्री के कोण पर कटा होता है, 40 कोई नहीं कटा होता है। BA थ्रेड की बात की जाए तो 47.5 डिग्री पर कटा होता है। क्वेश्चन देखिएगा, दो चरम अनुज्ञेय नापों के बीच जो वास्तविक नाप अंतर्विष्ट है उसे कहा जाता है, ऑप्शन ए है बेसिक साइज, नॉमिनल साइज, लिमिट साइज और डी है इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है ना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी होगा, लिमिट साइज कहते हैं। देखिएगा यहाँ इंग्लिश देखिएगा, एक्चुअल साइज और कंटेंट साइज के बीच के अंतर को जो होता है लिमिट साइज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 25 ± 0.5 एक उदाहरण है, एक पार्श्विक यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस, बोथ माने दोनों और डी इनमें से कोई नहीं, नॉन हो जाए कोई नहीं। सही आंसर जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस में, इसलिए यह जो होता है बाइलेटरल टॉलरेंस है। कौन सा टॉलरेंस है? बाइलेटरल टॉलरेंस। माइनस माइनस में रहेगा या प्लस प्लस में रहेगा वह जो होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है। यूनिलेटरल टॉलरेंस में एक तरफा छूट दिया जाता है, बाइलेटरल टॉलरेंस में दोनों तरफ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फीट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच के अभिप्रेत अंतर को कहा जाता है, होल और शाफ्ट के बीच के अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है टॉलरेंस, बी है अलाउंस, डी है इंटरफेरेंस और डी है क्लियरेंस। आप सोचिए क्लियरेंस यहाँ जो होता है अलाउंस होता है, होल और शाफ्ट रहेगा तो अलाउंस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 47 नंबर, निम्न में से कौन सा व्यक्तिकरण फिट नहीं है, व्यक्तिकरण फिट मतलब होता है इंटरफेरेंस फिट नहीं है, है ना, सिंकेज फिट, हैवी ड्राइव फिट, लाइट ड्राइव फिट और रनिंग फिट। रनिंग फिट आपको मालूम होना चाहिए, क्लियरेंस फिट का उदाहरण है तो जाहिर सी बात है ये रनिंग फिट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्लियरेंस फिट नहीं है,
स्लाइड फिट, रनिंग फिट, सिंकेज फिट और लॉस रनिंग फिट। अभी देखिए सिंकेज फिट ऊपर आया था जो कि किसमें था, इंटरफेरेंस फिट का उदाहरण था, तो जाहिर सी बात है सिंकेज फिट जो है नहीं है क्लियरेंस फिट का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भू पर मशीन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले बोल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए है आई बोल्ट, बी है हेक्सागोनल बोल्ट, और सी है फाउंडेशन बोल्ट, और डी है स्क्वायर बोल्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों फाउंडेशन बोल्ट का उपयोग जो होता है मशीन स्थापित करते समय किया जाता है। भारी विद्युत मोटर और अन्य मशीनों में उत्थापन सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल के होने वाले अंगूठी के आकार के बोल्ट हेड को कहा जाता है। भारी मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान लेने के लिए उसमें एक बोल्ट लगा होता है, उस कौन सा बोल्ट लगाता होता है जो अंगूठी के आकार का होता है। ऑप्शन ए है काउंटरसिक बोल्ट, सी है टी बोल्ट, और सी में है चीजा हेड बोल्ट, और डी है आई बोल्ट। इसका सही आंसर जो होता है बड़े बड़े मोटरों को उठाने के लिए जो होता है आई बोल्ट लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा नट पार्सन प्रणाली नहीं है, है ना, मतलब लॉकिंग सिस्टम नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ के बनाइएगा, एकदम सही आंसर बनेगा आपका। अगर कुछ वीडियो में कमियां दिखें तो आप कमेंट में लिखें, उसको हम सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए है चक नट, बी है स्प्लिट पिन, और सी है स्प्रिंग वॉशर, और डी है विंग नट। यहाँ जो होता है विंग नट जो होता है लॉकिंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबाई मूल लंबाई में परिवर्तन को कहा जाता है प्रतिबल, बी है विकृति, सी है सुरक्षा का गुणांक, और डी है यंग मापांक। इसका सही आंसर जो है दोस्तों विकृति कहा जाता है, मूल लंबाई में परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु के गुण जिसकी वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा इसे तार के आकार का बना सकते हैं को कहते हैं। ऑप्शन ए है मेलेबिलिटी, ऑप्शन बी है हार्डनेस, सी है डक्टिलिटी, और डी है बिटलेंस। इसका सही आंसर है दोस्तों सी डक्टिलिटी कहते हैं, तार के रूप में खींच के बनाना क्या कहलाता है डक्टिलिटी कहलाता है। मेलेबिलिटी गुण किसे कहते हैं, मेलेबिलिटी गुण कहते हैं पीट के उसको चादर बनाना मेलेबिलिटी गुण कहते हैं। हार्डनेस के गुण किसे कहते हैं कि जो कटिंग काटने का विरोध करे और घिसे नहीं, हार्डनेस कहलाता है। भंगुरता है धातु का वह गुण जिसे मारने पर चूर चूर हो जाता है, वह क्या कहलाता है भंगुरता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपघर्षण या कर्तन को प्रतिरोध करने के एक धातु के गुण को कहते हैं। ऑप्शन ए है चिमरापन, बी है तन्यता, सी है आघातवर्धनता, मेलेबिलिटी, और डी है कठोरता। इसका सही आंसर है दोस्तों कठोरता कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक फेरस धातु है। ऑप्शन ए है कॉपर, बी है एल्युमिनियम, और सी है गोल्ड, और डी है माइंड स्टील, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा माइंड स्टील। फेरस वह धातु होता है जिसमें लोहे की मात्रा होती है, फेरस धातु होती है, जो जो नॉन फेरस होता है उसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो माइंड स्टील में जो होता है लोहे की मात्रा होती है, इसलिए हम जो है फिर धातु कौन सा है माइंड स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18% क्रोमियम और 8% निकल के इस्तेमाल को कहा जाता है। उच्च स्पीड स्टील, मार्जिंग इस्पात, जंगरोधी इस्पात, और डी है कार्बन इस्पात। इसका सही आंसर है दोस्तों जंगरोधी इस्पात, स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। 18% क्रोमियम होता है, 8% निकल होता है। अब ये आया है तो यहाँ कुछ चीज़ों को हम याद भी करते चलेंगे। कॉपर और जिंक का मिश्रण की बात की जाए तो वह जो होता है पीतल का मिश्रण होता है, क्रोमियम और निकल का मिश्रण जो होता है स्टेनलेस स्टील का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57, कार्बन इस्पात के ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। कार्बन स्टील के ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है एनिलिंग, बी है केस हार्डनिंग, सी है टेम्परिंग, और डी है नॉर्मलाइजिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों बी केस हार्डनिंग कहते हैं, ऊपरी भाग को हार्ड करने की प्रक्रिया केस हार्डनिंग
कहते हैं कार्बन बढ़ाने की प्रक्रिया कार्बोनाइजिंग कहलाती है। नेक्स्ट है समकोण पर शक्ति संचालन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गियर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्पेयर गियर, बी है रैक और पिनियन, और सी है बेवल गियर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बेवल गियर। क्या हो गया? बेवल गियर का उपयोग किया जाता है समकोण पर शक्ति संचालन के लिए। नेक्स्ट है लास्ट नहीं 59 नंबर क्वेश्चन है विभिन्न व्यास वाले दो पाइपों युग्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न व्यास के दो पाइपों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सॉकेट, टी, एल्बो, रिड्यूसर। इसका सही आंसर हो जाता है रिड्यूसर का उपयोग जो होता है दो विभिन्न साइज के पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप ये ज़रूर बताएं ये सीरीज आपको कैसा लगा, सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। कोई भी कमियां हो जरूर बताएं, अभी नया है थोड़ा सा सुधार करने के हमको जरूरत है, हम खुद एहसास है इस चीज़ का और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है आपको इसका भी डिस्कशन करा देते हैं हम। जल पाइपों और उसके उपसाधनों में किस प्रकार के चूड़ियों कटा होता है? जल के पाइपों की बात की जाए तो वहाँ जो होते हैं BSP थेट पाइपों में कटा होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।